बार लिखी है कि आप स्टेज के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से कहते हैं हमारे इथिक्स है, वैल्यूज है, प्रिंसिपल है। मैं आज पब्लिक के लिए सामने ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कौन से इथिक्स हैं, वैल्यूज या प्रिंसिपल हैं, बाकी लोगों से आपको अलग करते हैं, बाकी लोगों से अलग क्या माने? किस मूड में आए हो आज, आप ये बताओ पहले। मैं सिर्फ लोगों के ही सवाल लेके आया। सारे मतलब आप पूरी पोल पट्टी पे आ चुके हो आज तो। मौका कभी कभी मिलता है। महिपाल जी, हमारे इथिक्स और वैल्यूज अलग हटके हैं, जो आज तक 20 साल 25 साल से जो त्रस्त रहे हैं, नेटवर्क कर परेशान रहे हैं, कंपनियों से तकलीफें रही हैं ना, वो तकलीफें देखो हमने प्रोडक्ट से, पे आउट से दूर की हैं और अपने कुछ प्रिंसिपल से दूर किए हैं। जैसे मैं एक पहला प्रिंसिपल बताता हूँ, आप कई कंपनियों में देखोगे पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है एक सीनियर अपलाइन के कहने से। कंपनी का एक टॉप अपलाइन जिसका धंधा सबसे ज्यादा आता है, वो डायरेक्टर को आता है, जाके डराता है, ये बंदे का धंधा इधर कर दो। डायरेक्टर कहता है भाई साहब हाँ, क्योंकि तुम्हारे धंधा सबसे ज्यादा आता है, तुम्हारे सलूट हम कर देंगे। इधर ऐसा नहीं चलता। हमारी कंपनी में अगर आपने अपनी आईडी ग्रीन करा दी, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं है उस आईडी को डीएक्टिवेट करा दे बिना आपकी मर्जी के। आपका मर्जी नहीं, मेल नहीं चलती, आपका स्टैंप पेपर होता है, 100 रुपए का नोटरी होके आपका साइन मैच होता है कि ये आदमी जो एक्टिवेट करा रहा है यही है, कोई और है। एक आईडी की मैं ताकत बता रहा हूं, एक आईडी नहीं है, एक आदमी का फ्यूचर है सर, यहाँ कैरियर है। ऐसे तो कल को कोई भी लीडर घमंड में आके किसी को लड़ाई हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर देगा, तो वो बर्बाद हमारे यहाँ कोई लीडर किसी को नहीं कर सकता, कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकता, क्रॉस लाइनिंग यहाँ पर नहीं होती। आपने भी देखा होगा 4-5 साल से आप हमारे साथ हो, क्रॉस कितना ही बड़ा लीडर हो, कितना ही बड़ा बिजनेस ले रहा हो, मुझे कोई बिजनेस से लेना देना नहीं, बात है लोगों की जिंदगी होगी। क्रॉस लाइनिंग नहीं होगी जब तक रियल, हाँ कोई ऐसा केस है कोई छोड़छाड़ के चला गया उसके लोग फिर आना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर रियल इथिकल बंदा है उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई रिन्यूअल फीस नहीं हुई, पहले दिन से ही कोई रिन्यूअल हमने नहीं लिए। हमारे यहाँ पर और तो छोड़ो सर, फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग है ना, कोई सिक्योरिटी फीस नहीं लेते हम। अच्छा, हाँ जी। और फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट में ये लिखते हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट बिकता है तो ठीक, नहीं बिकता तो 1 साल बाद देके जा, पैसे लेके जा। 5 पैसा लायबिलिटी एसलीपीएस वेलनेस पे हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता। ये हमारे एथिक्स हैं, हमारे एथिक्स हैं कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ के भी चले जाते हो तो भी हम आपको फोन करके आपका सारा बचा हुआ पैसा देते हैं। अगर आप टूर पे, तो अगर मान लो आप छोड़ के चले गए, हम तो आपको टूर पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन टूर का पैसा देंगे आपको बुला के, भाई साहब आप चले गए, आपको हमारी कंपनी अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरी कंपनी में चले गए, भाई साहब आपने हमारे यहां जो मेहनत करी है ना, आप अपना मेहनताना लेके जाओ, कोई बात नहीं आप चले गए, आपका हमारे साथ दिल नहीं लग रहा, पर हम आपका हक का पैसा कभी नहीं खाएंगे। ये एसलीपीएस है सर, ये एथिक्स है, ये प्रिंसिपल है, ये वैल्यूज है हमारी, जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपको पता है आप कंपनी के टॉप अचीवर हो, क्या रियली आपने कभी प्रयास किया किसी की क्रॉस लाइनिंग कराने का? नहीं, कभी किया मन में? क्योंकि आपको पता हो ही नहीं सकता, तो आपने तो खैर, आप तो बहुत अच्छे आदमी, आप तो कर ही नहीं सकते, लेकिन और बहुत लीडरों ने प्रयास किया लेकिन उन्हें लास्ट में नेगेटिव रिजल्ट। नहीं हो सकता भाई, अगर किसी के 2 लाख चल गए और वो भैंस भी चराएगा ना तो भी हमारे यहां से चेक जाता है। और कंपनियों में क्या होता है, लीडर आते हैं आगे बोलते हैं सर वो तो भैंस चरा रहा, उसके 2 लाख चल रहे, पैसे आ रहे, इसकी आईडी बंद करो, इसको ऐसे करो। हम बोलते हैं भाई जब वो आया था ना तो तुमने यही कहा था कि अगर तेरे 2 लाख चल गए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब बेचारे की बदल गई तो यार तुम्हें क्या तकलीफ है? तो दोस्तों निश्चिंत रहो, आपकी आईडी आपकी है, इसे कोई भी हिला नहीं सकता।